अभी भी लगभग 15 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से और मेरा लगेज 18 किलो। ये सेकेंड टाइम है जो इतना ज़्यादा ख़तरनाक फील हो रहा है मुझे, मतलब 3:16 और अब ये देखना है कि हम कितने देर में वहाँ पहुँच पाते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे और काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, लगभग करीब हूँ जुकू वैली के, जैसा आपको पीछे व्यू दिख रहा। हेलो बुडी, वेलकम अगेन, मैं ऑल इंडिया पैदल ही चेकिंग विदाउट मनी ट्रैवलर। मैं हूँ अभी कोहिमा में और निकल रहा हूँ जुकू वैली। पुलिस स्टेशन पे रुका हुआ था रिसेंटली और इधर से निकल के जा रहा हूँ जुकू वैली और देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचना होता है। 38 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा मैप, देखते हैं कहाँ तक जाना होता है, बने रहिए। अभी मैं कंटिन्यू 8 किलोमीटर चलने के बाद भी कोहिमा सिटी को क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। मतलब बहुत बड़ी सिटी है भाई, ऐसा लग रहा है मिज़ोरम से भी बड़ी है। और लगभग 33 किलोमीटर मुझे और चलना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच पाऊंगा जो कि है जुकू वैली। तो देखते हैं और क्या होता है, सिटी तो क्रॉस हो जाऊं मैं ऐसा सोच रहा हूं पहले, फिर भी बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो फाइनली मैं विश्वमा विलेज पहुंच गया हूं जहां से जुकू वैली का रास्ता होता है और लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और भाई रास्ते भी बिल्कुल ठीक नहीं है, हाँ भाई बहुत, अब मैं वही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अब मेन ट्रैक स्टार्ट होता है जुकू वैली का। अभी भी लगभग 15 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से और मेरा लगेज 18 किलो और ये 2 किलो, मतलब 20 किलो का लगेज लेके 18 किलोमीटर चढ़ना है। खतरनाक भाई, शाम हो जाएगी, मुश्किल होगा बहुत, फिर भी देखते हैं क्या होता है, बने रहना वीडियो में एंड तक। तो रिसेंटली मैं अभी यहाँ पे रुका था और ये है रेस्ट हाउस, यहाँ पे रेस्ट किया, यहाँ टिकट काउंटर भी एक्सेल में, तो मैंने टिकट कटवाया भाई यहाँ पे जस्ट अभी ये जुकू वैली। और यहाँ से हमें ट्रैक करना है अभी लगभग 5-6 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का। मैंने बैग वैग रख दिया अपना लगेज यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता भाई, 20-22 किलो लगेज लेके ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता क्योंकि आप देख रहे हो रास्ते एकदम खड़े हैं। ठीक है, तो ये अपना टिकट 100 रुपये वहाँ का टिकट लगा और ये 5-5 का लेते हैं वो 20 रुपीज़, तो टोटल मिला के 120 रुपीज़। और ये मत बोलना कि मैं विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ तो पैसा कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि ये पैसा भी मेरा नहीं है, मैं बता दूँ पहले। इसलिए चलते हैं अभी आगे और देखते हैं क्या देखने मिलता है। यहाँ से लगभग 12-15 किलोमीटर है ऊपर जाने का रास्ता, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बने रहिए वीडियो में एंड तक के और मजे लीजिए रास्तों के। ठीक है, तो रिसेंटली मैं जुकू वैली के लिए निकला था, बहुत दूर है अभी भी, कितना किलोमीटर होगा समथिंग, अभी भी अराउंड किलोमीटर तो खुद पता नहीं लेकिन 3 आवर्स तो जरूर होगा। ओह, 3 घंटा समथिंग लगेगा, 3 से 4 घंटा, और बाय फुट 3-4 घंटा लगेगा। और यहाँ भैया ने हमें ये खाने के लिए कुछ दिया हुआ है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया की तरफ से हमारे लिए, एक छोटा सा गिफ्ट। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ में भी एक रिसोर्ट जैसे ना, टेंट सर्विस और फास्ट फूड सर्विस देने के लिए, फास्ट फूड टेंट और रिसोर्ट जैसा, मतलब यहाँ प्रॉपरली एक रिसोर्ट जैसा बनने के लिए रेडी कर रहे हैं भैया लोग। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जुकू वैली आते हो तो एक बार भैया को देख लो, अच्छे से पहचान लो और ये जगह को भी पहचान लो, यहाँ पे आप विजिट करके स्टे कर सकते हो। तब तक तो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा समथिंग, तो 1 ईयर में, नेक्स्ट ईयर लगभग 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप प्लान करते हो तो जुकू वैली ज़रूर आए। और ये मैं बता देता हूँ, ये होम स्टे यहाँ पे अभी कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर लगेगा अप्रोक्सना। तो ये भैया की तरफ से बिस्किट के पैकेट और वो एक केक दिया गया है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कंटिन्यू वॉच करते रहिए और पहुँचते हैं जुकू, पता नहीं शाम हो जाएगी लगभग, शाम हो जाएगी और फिर देखते हैं क्या होता है। See it, but I can feel it everywhere.
चाय शाय पी के अपने फिर स्टार्ट कर दिया था अपने ट्रैक को। और भाई क्या बताऊँ, ये सेकेंड टाइम है जो इतना ज़्यादा ख़तरनाक फील हो रहा है मुझे, मतलब थकान फील हो रही है। एक वो डबल डेगर का जो ट्रैक था मेघालय का रेम्बो फॉल तक, ख़तरनाक, और दूसरा ये ख़तरनाक ट्रैक है भाई, क्योंकि रास्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देख रहे हो रास्तों की हालत बिल्कुल ख़त्म है। ये देखो, ये तो ठीक है, बीच बीच में इतने ज़्यादा ख़राब थे रास्ते कि क्या बताऊँ मैं। तो ये ट्रैक बहुत मुश्किल है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती है एक्चुअल में, और गाड़ी 8 किलोमीटर लगभग छोड़ती है, बट मैंने वो नहीं लिया था गाड़ी क्योंकि उसका रेंट बहुत ज़्यादा है, 1500 रुपये, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मुझे ठीक भी नहीं लगा क्योंकि 1500 रुपये भाई खाली 8 किलोमीटर का, ये तो नाइंसाफ़ी है। ठीक है, मैं अकेला फ़िलहाल 8 किलोमीटर का ट्रैक करने के लिए निकल पड़ा था और मैंने लगभग आधे से ज़्यादा ट्रैक कर लिया है। 8 किलोमीटर के बाद और लगभग 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी करना है, पर वो ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा प्लेन रास्ता है, तो देखते हैं क्या होता है, बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो फाइनली मैं उस जगह पे हूँ जहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होता है, मेन जो ट्रैक होता है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि इससे कम से कम 500 मीटर पीछे से ही गाड़ियाँ आना बंद हो जाती है, लोगों को यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना पड़ता है। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे होगे आप लोग, हवाई टू जुको, जुको वैली, ये है उसकी स्टेप्स, ये सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैक, बोल रहे थे 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से जुको वैली का मेन व्यू पॉइंट है जो मेन लोकेशन तक पहुँचने में। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने बजे तक पहुँचते हैं और कितना घंटा लगता है, हमारी ट्रैकिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। चलो इस चीज़ को भी आजमा लेते हैं, हम कितना फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम क्या हो रहा होगा, तो अभी हो रहा है 3:16, मतलब 3:16, और अब ये देखना है कि हम कितने देर में वहाँ पहुँच पाते हैं। ठीक है, 1.5 घंटा मिनिमम यहाँ लगता है लोगों को, 1.5 घंटा 2 घंटा। अब हम कोशिश करेंगे चैलेंज लेकर के कि हम उससे पहले ट्रैक को कंप्लीट कर लें, तो देखते हैं क्या होता है। रास्तों में बने रहिए और मज़े लीजिए इस खूबसूरत से ट्रैक के। हो स्टार्ट नाउ, चलो भाई, रास्ते भी बड़े उबड़ खाबड़ है, मतलब पत्थर हैं सब, मुश्किल होगी थोड़ी, ज़्यादा ऊपर है तो भाई यहाँ से रास्ते भी भटक सकते हैं, ऐसे एक दो रास्ते इधर भी चले जाएंगे और हमको जाना इधर है, फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमारी भी नहीं होगी। अकेला भाई मैं रास्ता भटक गया था एक्चुअल में पीछे, फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन लगा कर थोड़ा सा नेटवर्क मिला था मुझे एक डंडी, तो फिर क्लियर किया, उन्होंने बोला अकेले ट्रैक कर रहे हो, मैंने बोला हाँ, बोले वाह भाई मतलब हैरान हो गए, वो भी अकेले ट्रैक कर रहे हैं, वो भी इतने घने जंगल में, मामूली बात नहीं है, वो भी इतना लंबा ट्रैक है, नॉर्मली वो तो बात अलग है। देखते हैं अभी क्या होता है, बने रहिए वीडियो में एंड तक के। भाई रास्ते एकदम खड़े हैं और अभी बहुत ट्रैक करना है, बट आप लोग जू को आओगे तो एक चीज़ को मिस मत करना, इंसेक्ट लाइन, इंसेक्ट ट्रेन भी बोल सकते हैं हम इसको। देखो ये कैसे चिपक चिपक के साथ में चल रहे हैं, लाइक मुझे इसका परफेक्ट रीज़न तो नहीं पता कि ये क्यों ऐसा चलते हैं, बट ये मैंने बहुत सारी जगह देखा, मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लूँ और आप लोगों तक दिखा दूँ। फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप ये चीज़ को, ये ट्रेन है काफ़ी लंबी, इसका इंजन ये है भाई, ये इंजन है और ये ट्रेन चल रही है, ये लास्ट डब्बा तो ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी विचित्र विचित्र सी जुको वैली के रास्ते में, और अभी बहुत लंबा ट्रैक बाकी है और मैं ट्रैक कर ही रहा हूँ कंटिन्यू, तो चलिए और देखते हैं ऐसी विचित्र चीज़ों को और बढ़ते हैं आगे।
जूको इज नॉट अ जोक, जूको इज स्ट्रगल, जूको इज ट्रैक, जूको इज हार्ड वर्क, हाँ एवरीथिंग इज जूको बट नॉट अ जोक। हाँ भाई खतरनाक है, चलते रहो मजा आने वाला है। हालत ख़राब हो गई भाई, फिर से मुझे वो इंसेक्ट मिले देखो बहुत सारे, ये लकड़ियों में भी हैं, है क्या चीज़ मुझे पता नहीं, फिर भी हमें क्या लेने देना, उन्हें अपना काम करने दो हम अपना काम करते हैं, चलो चलो। तो मैं अभी फाइनली इस ट्रैक के भी आधे रास्ते में पहुंच चुका हूं और मुझे मिला एक स्टे करने के लिए पॉइंट, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, सॉरी स्टे करने के लिए नहीं रेस्ट करने के लिए, काफ़ी नीचे से आया हूं मैं। और यहां देखो मैप दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको, देखो यू मतलब मैं हूं अभी यहां पे, ठीक, और मुझे ये ट्रैक करना है पूरा और जाना है यहाँ, और क्योंकिशा जूको वैली 8 किलोमीटर, ओ भाई वहाँ से भी 8 किलोमीटर है क्या यहाँ से, मतलब ख़तरनाक ट्रैक करना है अभी, नो रिटर्न, ठीक। ये सब इंफॉर्मेशन दिए, किसने लगवाया है, किसने किया है, सब कुछ, और ये कुछ खूबसूरत व्यू और नज़ारे है। तो देखते हैं थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू चलते हैं, पैरों में भी हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो गया भाई, ख़तरनाक ट्रैक है, एकदम यादगार रहेगा ये पल नागालैंड का, नागालैंड मेघालय, तो नागालैंड का ये ट्रैक और मेघालय का वो ट्रैक डबल डेगर वाला याद रहेगा हमेशा। चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, तब तक ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, आप लोगों को रेस्ट नहीं करना था कि आप कंटिन्यू वॉच कीजिए और बने रहिए वीडियो में एंड तक के। तो मैं और काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, लगभग करीब हूँ जूको वैली के, जैसा आपको पीछे व्यू दिख रहा होगा थोड़ा बहुत फ्रंट का, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं भाई यहाँ से, लोग अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मतलब पत्थरों में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं अपने अपने लोगों ने सभी जगह। और ये जूको वैली का एक और रेस्ट पॉइंट है, सोचा मैं भी क्यों ना, मैं क्यों छूट जाऊँ यहाँ पे नाम लिखने से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ब्लॉगिंग कीड़ा अपना यूट्यूब का, और एक जगह और हम भी क्यों छूटे भाई, ये देखो YT ब्लॉगिंग कीड़ा। अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं या न्यू सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप आओ तो इस चीज़ को गौर करना मेरा नाम है कि नहीं, और मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे, यही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है ब्लॉगिंग कीड़ा। तो देखते हैं, और ये कुछ व्यू देखो भाई क्या ख़तरनाक व्यू है, मज़ा आ गया, बने ये वीडियो में एंड तक, और करते हैं सफ़र कंटिन्यू और चलते हैं यहाँ से। चलो भाई तो मैं फाइनली एंटर हो चुका हूँ जूको वैली, जैसे कि देख रहे हो आजू बाजू पूरा जंगल ही जंगल है, ख़तरनाक वाला, और भाई चलते रहो बस, ये जूको वैली भाई मज़ेदार जगह है, अच्छी जगह है, तो बस मैं रास्ता ना भटक जाऊँ, इस चीज़ का डर लग रहा है थोड़ा सा, डर क्या भाई भटक गए तो भटक गए, लेकिन फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। ओके कुछ ऐसे व्यू हैं इधर के देखो, खतरनाक मस्त भाई, सुकून है, इसलिए इतना ट्रैक है भाई, जितनी खूब ज़्यादा खूबसूरत जगह उतना ज़्यादा हार्डवर्क, उतनी ज़्यादा मेहनत। तो करते हैं वीडियो को कंटिन्यू, कुछ सिनेमेटिक शॉट भी डाल देते हैं बीच में ताकि आपको मज़ा आते रहे बीच बीच में व्यू देख के। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसके फुल्ली पीक पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, मैं काफ़ी ऊँचाई पर हूँ, और नीचे देख रहे हो भाई खतरनाक सीन है, वो नीचे एक छोटा सा घर दिख रहा होगा रेड कलर का, उधर से मैंने स्टार्ट किया था, उधर से क्या भाई उससे 8 किलोमीटर पीछे से ट्रैक स्टार्ट किया था, और फाइनली ये मंजर देखने के लिए और ये नज़ारे देखने के लिए जूको वैली के, क्या खूबसूरत जगह है, अति उत्तम अति उत्तम मज़ा आ गया भाई, मनोकामना पूरी हुई आगे जाना है और बहुत आगे जाना है, अभी लगभग आधे घंटे का ट्रैक और बचा हुआ है, अंधेरा होने से पहले पहुँचना पड़ेगा क्योंकि सूरज भी नीचे आ गया है, वो पहाड़ से नीचे आएगा तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि पहुंच जाएं फाइनली। देखो भाई अकेला ट्रैक कर रहा हूँ, ना कोई है ना कोई है, ठीक है, ज़्यादातर लोग मैं कैमरे को कहीं स्टेबल करके वीडियो बनाता हूँ, या फिर कोई मेरा वीडियो बना देता है कोई टूरिस्ट साथ में होता है तो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ कोई पार्टनर है मेरा जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं अकेला और सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ पूरा इंडिया, आप भी जुड़ जाइए मेरे साथ घर बैठे बैठे डिजिटली ट्रैवल करने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग कीड़ा, और इंस्टाग्राम लिंक बायो में
डिस्क्रिप्शन पे है, तो उसे भी जाके और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर लेना।